तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, बहुत सारे कुछ बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो तुम चेक कर लेना जो मैं सॉल्व करता हूँ, उसको देख लेना। तो तीन ब्लॉक्स हैं ए बी सी, इन तीनों का एक्सलेशन ए वन ए टू दिया हुआ है और अलग अलग फोर्सेस सिस्टम पे दिया हुआ है। तीनों का एक्सलेशन कंपेयर करना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पुली बनाता हूँ, ये फर्स्ट पुली है। इस पुली को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इस पुली से एक स्ट्रिंग यहाँ से पास हो गई है और इस स्ट्रिंग को ऐसे फोर्स लगा के 2 mg से नीचे खींचा जा रहा है और एक ब्लॉक एक यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा एक्सलेशन ए वन से और ये स्ट्रिंग ए वन से स्लाइड करेगी, इधर नीचे जाएगी। तो अब देखोगे, तुम देखोगे जिस जितना फोर्स स्ट्रिंग पर लगाया जाता है डायरेक्ट, अगर कोई मास वगैरह नहीं अटैच है डायरेक्ट, तो वही उसमें टेंशन हो जाता है। मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन है, इस सिस्टम में जो टेंशन, वो 2 mg के इक्वल होगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस ब्लॉक पे टेंशन तो ऊपर लगेगा और इसका mg नीचे लगेगा क्योंकि इसके पास मास है और ए वन एक्सलेशन से जा रहा। तो इसका मैं इक्वेशन लिखूंगा T-mg इस ब्लॉक का मास इस ब्लॉक का एक्सलेशन। तो T-mg एक्सलेशन ए वन, और टी की वैल्यू यहाँ 2 mg है -mg, तो यहाँ से एक्सलेशन ए वन की वैल्यू जो आ जाएगी वो जी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बी वाले का पुली का देखो, जो बीच में अटैच है बी वाला ये पुली, तो जो ये वाली जो पुली है इसका क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पे ये जो बी वाला ब्लॉक है ये ए टू से ऊपर जा रहा है और यहाँ इस पे मास कितना अटैच है, क्योंकि इस पे मास 2 m अटैच है, तो ये जो मास है वो 2 m है और ये मास m है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ से तुम देखोगे, ये तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये वाली। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ये ए टू से नीचे आ रहा है, तो दो ब्लॉक्स हैं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो जो पहला वाला ब्लॉक्स है वो मान लो इस पे जो टेंशन है वो टी इधर लगा और 2 mg नीचे लगा, सॉरी mg नीचे लगा क्योंकि इसका मास m था, तो और जा रहा है ए टू से नीचे। तो इसका इक्वेशन बनेगा T-mg इज इक्वल टू m ए टू, और इसका इक्वेशन बनेगा इस पे टेंशन टी ऊपर लग रहा है, इसका मास 2 है तो 2 mg नीचे लग रहा है, तो इसका इक्वेशन बनेगा 2 mg - t इज इक्वल टू, यहाँ से इसका मास कितना था 2 m, तो ये 2 m a 2। अब दोनों को जोड़ दोगे यहाँ से, तो यहाँ से mg इधर बचेगा और इधर बचेगा 3 m a 2। तो मतलब ए टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी g/3, मतलब आया ए टू कम आ गया ए वन से, मतलब ए वन इज़ ग्रेटर देन ए टू, ये तो बात हमें मिल गया। ठीक है ना, ए वन ए टू से अधिक होगा। चलो अब हमें लास्ट में A3, तीसरे वाले ब्लॉक का सिचुएशन। तीसरे वाले में बच्चों को डाउट आता है, और तो क्या डाउट आता है वो हम लोग समझते हैं। तो तीसरा वाला बड़े ध्यान से देखना। तो ये कि यहाँ पर ब्लॉक अटैच है और ये स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे पास हो गई m मास की, और ये यहाँ से एक ब्लॉक अटैच है। ठीक ना, और ए भी m मास का है, ए भी m मास का है। ठीक है, और ये A3 से ऊपर जा रहा है और इसको एक अलग से एक फोर्स से खींचा जा रहा है, मान लो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, उसी तरह से mg न्यूटन। और तो ये, और ये A3 से नीचे आ रहा है। तो अब सब सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो, अब इस वाले पे डायग्राम बनाओगे तो स्ट्रिंग में टेंशन टी हुआ और mg लगा नीचे, तो इसका इक्वेशन मैं लिखूंगा T-mg इज इक्वल टू m a 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका इक्वेशन लिखोगे तो इस पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, टी तो ऊपर लग रहा है और mg इस पे नीचे लगेगा। ठीक है, और ये बाहर से भी 2 न्यूटन लगा दिए mg, तो कुल मिला के ये जा नीचे रहा, तो mg + mg - t, समझ रहे हो ना, मास ऑफ द ब्लॉक एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक A3, दिस इज द इक्वेशन। मतलब 2 mg - t इज इक्वल टू ma 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और पूरी अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ से टी टी कैंसिल हो जा रहा, तो यहाँ mg बचा और इधर बचा 2 m, यहाँ से m3, मतलब यहाँ से A3 की वैल्यू आ जाएगी g/3,
टू, तो जी वाई टू यहाँ पर ये थ्री आया, मतलब सबसे कम आया ए टू और सबसे ज़्यादा आया ए वन, मतलब ये आ जाएगा ए वन सबसे अधिक है और ए टू सबसे कम है। मतलब अगर इस हिसाब से देखोगे तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।